नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों देखिए, एपीओ के विषय में आज ही काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर एपीओ की वैकेंसी का क्या है, थोड़ा न्यूज़ अपडेट पता करिए। दोस्तों एक आरटीआई डाली गई थी, आपको हम दिखाना चाहेंगे, साथ में बताना भी चाहेंगे कि आयोग की तरफ से जवाब क्या आया है। और यही चीज़ मैं बता भी दे रहा हूँ कि एपीओ की अंदर अंदर बातचीत चल रही तैयारी वैकेंसी को लेकर के, लेकिन अभी इसमें कोई जैसे विज्ञप्ति आयोग ने इसमें कहा है कि अभी विज्ञप्ति नहीं प्राप्त हुई है, तो इसको लेकर के चर्चा चल रही है। लेकिन कुछ चीज़ों को विज्ञप्तियाँ कुछ चीज़ों को लेकर के हुई हैं, लेकिन अभी चर्चा चल रहा है और आयोग की तरफ से क्या इसमें कहा गया इसको बता दे रहा हूँ। और एक बार फिर से आर ओ के विषय में भी किसी सज्जन ने पूछा है, उसके लिए भी आयोग ने क्या कहा है आपको बता दें। हालांकि आयोग ने एक नोटिफिकेशन देके तो बता ही दिया है कि आपका ये नोटिफिकेशन कब तक, किस महीना में कब प्राप्त हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें तो क्लियर है। कुछ लोग पूछ रहे हैं नोटिफिकेशन कब आएगा, कब फॉर्म आएगा आर ओ का, तो जब नोटिफिकेशन आता है आपको बता, तो जब नोटिफिकेशन आता है आप सभी लोगों का, वही समय आपका फॉर्म भी आता है। तो फॉर्म के लिए कोई डेट परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम डेट की जो सूचना मिली थी वो हमने आप सभी लोग से शेयर करके बता ही दिया है कि कब एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावना है। और बाकी रिजल्ट रिजल्ट को लेकर के और किसी अन्य अपडेट के लिए चैनल से जो सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्तों जरूर ज्वाइन करके रख लीजिए, क्योंकि उस पर ढेर सारे अधिकारी जुड़े हैं, बीच बीच में हम कुछ चीज़ें भी प्रोवाइड करवाते रहते हैं और साथ ही में उसमें भी महत्वपूर्ण अपडेट हम आप सभी लोगों के लिए छोड़ा करते हैं। तो वहाँ पर ज्वाइन करके रख लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को हम दे देंगे। जो लिंक से ना जुड़ पाए वो यूपीपीएससी डेली न्यूज सिंपल सा सर्च करेंगे, आसानी से आप सभी लोग वहां पे जुड़ जाएंगे। अब देखिए आयोग की तरफ से क्या आया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत श्री राशिद अहमद का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। ये प्रार्थना पत्र है, आपको बता दें कि इन्होंने एपीओ और आर ओ के लिए पूछा है। तो इसमें क्या है कि आयोग के वर्तमान में सहायक अभियोजन अधिकारी गृह विभाग परीक्षा से संबंधित अध्यायन शासन विभाग से प्राप्त नहीं हुए हैं, आयोग का पहला जवाब ये दिया गया। दूसरा आपको बता दें कि जवाब दिया जरूर गया है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें मतलब जैसे होता नहीं कि प्लानिंग हो रही है, तो सारी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, बने रहें, आपको भी एपीओ की भी अपडेट सारी प्राप्त होती रहेंगी। अब बता दें समीक्षा अधिकारी के लिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए कहना है कि विज्ञापन संबंधित कार्रवाई की जा रही है, यानी काम चल रहा है, यथासमय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, जो समय आपको बताया गया उसी समय जारी किया जाएगा, कृपया आयोग की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। तो ये है आयोग की आरटीआई से जो जवाब आया है, आपको बता दें दोस्तों। तो ये आप सभी लोग बराबर देखते रहें, और बाकी और कोई भी अपडेट होती है तो आप सभी लोगों को सूचना के माध्यम से, जो भी हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोग हो सकेगा सच्ची और अच्छी जानकारी प्राप्त करवाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सबसे पहले लाइक ज़रूर कर दिया करिए यार, लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और आप सभी लोग लिए और भी अच्छे तरीके से कार्य कर पाते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।